हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा केस जो आपको नेट पर मिल भी जाता है अगर तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। और ये जो केस स्टडी है, मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें आपको चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाऊँगा। ये जैसे कि 5A का फ़ोन है, और 5A के फ़ोन में कंप्लीट चार्जिंग टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ मैं आज। 5A में जो आपका चार्जिंग का एरर आता है वो कैसे कैसे आ सकता है, कहाँ कहाँ पे हमको चेकिंग करनी चाहिए सारी चीज़ों को, और जो हमारी HDACL की जो I2C लाइन होती है, उस I2C लाइन को भी हम चेक करने वाले हैं आज DSO की मदद से, और फ़ोन को कंप्लीट रिपेयर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है इस फ़ोन में, ये फ़ोन काफ़ी जगहों से मार्केट में घुमा हुआ है, कई शॉप वाले ने इस पर ट्राई किया लेकिन उनसे सॉल्व नहीं हुआ, और फाइनली ये फ़ोन मेरे पास आ गया। और ये फ़ोन अभी मैं इसको रिपेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और इसको रिपेयर नहीं कर पाएगा, और कर सकता है। मैं दूसरे के नॉलेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मुझे से होगा, काफ़ी लोग हैं जिनसे हो सकती है, लेकिन मेरे पास एक ये केस स्टडी है जो आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप काफ़ी अच्छे लेवल पे कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर, और कैसे काम करना है बहुत कुछ सीखोगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक प्रॉब्लम जो इसमें है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही हम इसमें देखिए, यहाँ पे चार्जर का प्लग इन कर रहे हैं, कस्टमर ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ़ोन है, इस फ़ोन में जो है, यहाँ पे देखिए अभी जो है हमने यहाँ पे चार्जर लगाया, और थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि बैटरी लो हो गया था जब मैंने देखा एक बार इसको। हाँ, ये कंटिन्यू 100% शो कर रहा था, कस्टमर ऐसा बोल रहा। तो ये प्रॉब्लम कई जगहों से होती है बोर्ड में, तो चलिए हम सारी चीज़ों को देखेंगे। बूट कैप से भी होती है, और HDACL की लाइन से भी होती है, फ्यूल गेज IC से भी होती है, तो उन सब चीज़ों को हम ट्रबल शूट करेंगे। पहले हम इसको एक बार चार्जर में लगाते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या किया सारा। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे चार्जर में कुछ भी जो है नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम इसकी बैटरी लो होगी, मल्टीमीटर से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। अभी पहले हम बोर्ड को खोलते हैं और फिर हम देखते हैं। तब तक हम बता दें आपको कि अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आपको ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना होगा। अभी जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रिपेयरिंग को काफ़ी इजी वे में और अच्छे ढंग से एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना, तो अगर आप काम करते हैं IC लेवल की वर्क काम आप कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि काम क्या करना है, तो सारी चीज़ों को मैं क्लास में स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप्स के फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिससे क्या होता है कि आप एक बेसिक लेवल के फ़ोन से लेके एडवांस लेवल तक के फ़ोन को इजीली रिपेयर कर पाओगे। और 15 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्लास की बुकिंग कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, और यहाँ पर हम एक बार फिर से चार्जर इन करेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए वाइब्रेट किया फ़ोन, MI का लोगो आया, और इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 100% शो कर रहा है, तो ये 100% जो है वो कंटिन्यू 100% रहता है, और यहाँ पे देखिए 100%। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, उन सारी चीज़ों पे हम पहले बात कर लें। इस फ़ोन में देखिए रिपेयर तो हुआ है, ठीक है? इस फ़ोन में हमको पहले ये चेक करना है कि बैटरी कनेक्टर तो हमारी सही होगी, क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टर पे सारी वोल्टेज अवेलेबल है। हमको यहाँ पे इस केस में स्पेशली ये चेक करना होगा कि VPH की पावर में लगे बूट कैप पे 8 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। तो चलिए हम माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होता है। तो देखिए हम माइक्रोस्कोप पे आपको यहाँ पे बैटरी कनेक्टर आपको नज़र आ रही है, और मल्टीमीटर भी मैं ऑन कर लेता हूं। और यहां पे देखिए बैटरी कनेक्टर के पास में देखिए एक यहां पे VQIC है, यहां पे VPH कॉइल, और ये छोटी वाली जो कैपेसिटर है ये बूट कैप है। तो इस बूट कैप पे हमको वोल्टेज चेक करना होगा, और यहां पे फ्यूल गेज के पास में
इधर में देखिए कुछ काम हुआ हुआ लग रहा है, यहाँ पे पेस्ट वगैरह दिख रही है। तो यहाँ पे दो रजिस्टर यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, जिन पे हमको डाटा और क्लॉक की लाइन मिलनी चाहिए, जिस पे हमको डाटा और फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो उन लाइनों को भी हम ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा फ़ोन जो है वो सही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि इसमें ऑटो चार्जिंग का कंडीशन होता है और बूट कैप बोर्ड में होता नहीं है। फिलहाल हम कूल टेस्टिंग करने वाले हैं अभी, और हम फ़ोन को कंटिन्यूटी रेंज पे करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि बूट कैप शॉर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे बूट कैप शॉर्ट नहीं है। दूसरी चीज़, VPS लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं ये भी देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है। तीसरी, यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर भी ओपन नहीं है। और इसके बाद हम अब हॉट टेस्टिंग करेंगे, तो मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं। और मल्टीमीटर जो हमारा वोल्टेज रेंज पे सेट हो चुका है, और थोड़ा सा आप लोगों को मल्टीमीटर क्लियरली नज़र आए, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे ट्रेस करने वाले हैं, DSO का यूज़ करेंगे और मल्टीमीटर का भी करेंगे। पहले हम चार्जर लगा लेते हैं इसमें और सभी कंपोनेंट को बारीकी से चेक करेंगे और उन पे अवेलेबल वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए हम पहले चार्जर इन कर लेते हैं, और चार्जर इन करने के बाद हमको मल्टीमीटर से वोल्टेज ट्रेस करनी है। तो इसके लिए हम ग्राउंड प्रॉब को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे VPH पे वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पे VPH की वोल्टेज थोड़ी ड्रॉप, यानी जैक का भी इशू हो सकता है, थोड़ा सा हम जैक को सही से लगाते हैं। चार्जिंग जैक में भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि फर्स्ट टाइम में हमने दिखा नहीं था। देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट के आसपास VPH पावर बन रही है। बूट कैप पे वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट बन रही है बूट कैप पे वोल्टेज भी। तो हमारी बूट कैप की वोल्टेज भी बन रही है और जो हमारी VPH पावर है वो भी प्रॉपर सही है। बैटरी कनेक्टर पे क्या वोल्टेज है, तो यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर की वोल्टेज वेरिएट हो रही है, और ये हमारी वोल्टेज जो है यहाँ पे 4.2 होनी चाहिए थी, ठीक है। ये वोल्टेज बन रही है लेकिन वेरिएट कर रही है, तो इसके पीछे हम नहीं जाएंगे अभी। अब हम यहाँ पे HDSCL की लाइन जो है उस पर पुल अप रजिस्टर भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा 100% प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है हमारी 1.8 अवेलेबल है, यहाँ पे नीचे साइड में भी 1.678 अवेलेबल है, यहाँ पर भी 1.8 अवेलेबल है और यहाँ पर भी 1.8 अवेलेबल है। फ्यूल गेज आउट की लाइन पे देखते हैं, 1.7 अवेलेबल है, यहाँ पे भी 1.8 अवेलेबल है। VDD गेज पे हमारा 1.8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे हमारा 1.8 जो है वो वेरिएट कर रहा है, क्योंकि बैटरी नहीं लगी है। तो हम बैटरी लगाते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे 1.8 जो है कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट है अभी। और यहाँ पे 1 MΩ की रजिस्टर की एक साइड 1.8 अवेलेबल है, और जब हम बैटरी उठा लेते हैं तो ये वोल्टेज जो है वेरिएट कर रही है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि ये बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पे वोल्टेज तो आ रही है, VPH लाइन भी बन रही है, करंट सेंसिंग रजिस्टर भी बर्न नहीं हुआ है। यहाँ पे जितने भी रजिस्टेंस हैं इन पे हमको चेक करना होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज देखिए, यहाँ पे 4.6 वोल्टेज है, इसके आउटपुट साइड में भी 4.6 है, यहाँ पे 1.86 है, 1.7 है। यहाँ पे देखिए पुल डाउन रजिस्टर है, ये ड्रॉप कर रही है वोल्टेज को, ये सही है आपकी। यहाँ पे 4.4 देखिए, यहाँ पे ये हमारी TS की लाइन जो है थर्मल सेंस, ये भी हमारी सही है, और ये हमारी PCL की लाइन है, ये भी हमारी सही है, पूरी पूरी वोल्टेज आउट कर रही है। और यहाँ पे चार्जिंग LDO बन रही है 4.4, यही LDO यहाँ से इन करके IC के अंदर दी जाती है PCL नाम से। और यहाँ पे 2.2 एग्जैक्टली वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, नहीं हो रही है वो भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हो रही है 4.4 का आधा 2.2 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वर्किंग है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं डीप में क्लास में, और ये हम आपको केवल एक रिपेयरिंग का फंडा बता रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओके हैं, कोई भी रजिस्टर यहाँ पे डैमेज नहीं है, और BQ के बगल में फ्यूल गेज के पास हमने केवल हॉट टेस्टिंग की, सारी चीज़ें बन रही है। अब हम DSO यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे देखेंगे क्या डेटा और क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बन रही है नहीं बन रही है। तो आपको स्क्रीन पे सामने DSO नज़र आएगा, और DSO की प्रॉब को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और आपको भी नज़र आना चाहिए DSO कहाँ पे प्लेस किया जा रहा है। तो DSO के लिए आपको DSO की सेटिंग पता होनी चाहिए, DSO कैसे यूज़ करना है पता होना चाहिए। फिर भी चलिए DSO की सेटिंग हमने
बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास दे रखी है ऑलरेडी, बता रखी है ऑडियो के बारे में, उससे भी आप यूज़ करके कर सकते हैं ये काम। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले जो है बूट कैप की फ्रीक्वेंसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 8 वोल्ट तो बनी रही है, हमको डेटा क्लॉक लाइन चेक करनी है। यहाँ पे जो कंपोनेंट दिख रहे हैं I2C की लाइन होती है ये, इन लाइन में हमको चेक करना है कि हमारा जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो है या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे डेटा क्लॉक मिल रही है नहीं मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे डेटा की लाइन पे लगाते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे चार्जर को एक बार निकाला, बैटरी भी निकाला, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर से चार्जर को लगाते हैं, क्योंकि अभी फ़ोन, हाँ देखिए यहाँ पे डेटा बनती हुई नज़र आ रही है सबको, यहाँ पे अभी डेटा बनी है, थोड़ी सी डेटा बनी है, आपको दिखा होगा। एक बार मैं फिर से मल्टीमीटर प्रॉब, देखिए यहाँ पे ये डेटा बन रही है, 1, 2 दिख रहा है इस पर। एक बार मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, देखिए डेटा बन रही है। इसको हम चाहे तो आपको यहाँ से स्टॉप करके ये हम एनालाइज कर सकते हैं, ये हम ये स्टॉप की जगह गलती से वो प्लेस हो गया, देखिए यहाँ पे हम फिर से मल्टीमीटर को लगाते हैं, और एक बार हम फिर से हम चार्जर प्लग आउट करेंगे। देखिए डेटा बन रही है, पोजीशन ऊपर है तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, और आपको देखिए यहाँ पे डेटा बनती हुई अभी दिखी है। मैं प्रॉपर, देखिए ये बन रही है प्रॉपर डेटा, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे डेटा जो है वो किस तरह से बन रही है। एक बार हम फिर से यहाँ पे डेटा को स्टॉप कर लिया, दिख रहा है आपको, ये आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको डेटा जो है यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है, ये डेटा बनती हुई दिख रही है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा प्रॉपर बन रही है, इसको हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रजिस्टर पे हमारे जो डेटा है चार्जिंग की वो प्रॉपर बन रही है, और जब जब फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और तब तक हमको यहाँ पे मिल रही है डेटा। अब हम दूसरे वाले रजिस्टर पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी हमको मिलनी चाहिए डेटा, यहाँ पे भी हमको चार्जिंग की क्लॉक मिलनी चाहिए I2C, देखिए मिल रही थी अभी, थोड़ा सा हम वेट करते हैं और प्रॉपर वे में देखना चाहेंगे वहीं पे, जैसे हमको पहले एक दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे मिल रहा था। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू वोल्टेज का लेवल हल्का सा फ्लैक्चुएट किया, ये देखिए ये लाइन जो है प्रॉपर अभी वेरिएट नहीं कर रही है वाइब्रेशन होने के बाद भी। थोड़ा सा हम और वेट करते हैं और बगल में चेक करते, देखिए डेटा तो यहाँ पे एक लाइन पे तो बन रही है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है एक साइड वाली इस पर हमको देखिए यहाँ पे बन रही है, ठीक है यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, बहुत थोड़ी सी एक बार जो है ये देखिए बन के कट गई, और काफ़ी देर हो गया अभी तक, इतने देर में तो आ जाना चाहिए डेटा या क्लॉक, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे पूरा डाउट हो रहा है कि ये लाइन प्रॉब्लम में हो सकती है, तो इस लाइन की वजह से हमारा ये चार्जिंग का प्रॉब्लम 100% आ रहा है, जो 100% शो कर रहा है कंटिन्यू, ऑटो चार्ज भी है। इस प्रॉब्लम को देखिए यहाँ पे बन के सिग्नल कट गई और ये कंटिन्यू नहीं बना, बहुत कम बनी वो, वहाँ पे कम से कम 3 बार वो आ रहा है, यहाँ पे 2 बार तो आना ही चाहिए था। देखिए यहाँ पे 2-3 लाइनें जा रही हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 बार स्लो पाके चला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। बूट कैप हमारा फॉल्टी होता है इस केस में, लेकिन बूट कैप पे हमारा, देखिए यहाँ पे बूट कैप पे हमारा जो डेटा है प्रॉपर बन रहा है, तो इसमें हमको कोई कुछ नहीं करना है। हम चलते हैं अभी इस लाइन को, हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया 1.8 दोनों साइड आ रही है, लेकिन इस केस में हमको अभी वोल्टेज तो हमको मिल ही रही है और यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रही है हमको SDSCL की लाइन में, एक लाइन डैमेज दिख रही है यहाँ पे जो हमारी SCL या SDA की जो SCL की लाइन है, तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है जिससे ये प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए हम रजिस्टर की वैल्यू एक बार कंफर्म कर लें, हो सकता है रजिस्टेंस वैल्यू ख़राब हो गई हो, इससे ये प्रॉब्लम आती है कई बार। तो हम इस समय मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, और मल्टीमीटर के लिए मल्टीमीटर को हम ओम रेंज पे सेट कर लेंगे, और ओम रेंज पे मल्टीमीटर रख के इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू हम चेक करेंगे।
ये रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू जो है यहाँ पे मल्टीमीटर में हमने चेक करना है, और यहाँ पे पहले हम इस वाले पे चेक करते हैं जो कि कंडीशन है। देखिए 2.2 किलो ओम की रजिस्टर यहाँ पे परफेक्ट किलो ओम में शो कर रहा। इसके बाद हम फिर ये किलो नो, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस डैमेज नज़र आ रहा है। 5 ओम ओनली यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ओम का सिंबल शो करेगा, ये प्रॉब्लम है। ये 5 ओम ये रेजिस्टेंस ख़राब है, और यहाँ पे देखिए 2.2 किलो ओम में लिख रहा है, तो ये भी किलो ओम में ही होता है 2.2 किलो ओम, लेकिन इसकी वैल्यू 5 ओम हो गई है। ये वैल्यू चेंज हो गई है रेजिस्टेंस की, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस रिप्लेस करना होगा। एक बार हम आपको प्रॉब्लम फिर से दिखा देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है। हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू में ना दिखी हो सही से। अभी ये देखिए AMI का लोगो आया, और यहाँ पे ये चला गया। मुझे एक बार बैटरी लगा लेना है, और यहाँ पे 100% ऑटो चार्जिंग भी लिख रहा है, और 100% शो कर रहा है। अभी फ़ोन ऑन हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 100% यहाँ पे शो कर रहा है, और ये चार्जर निकाल लिया मैं, और अभी भी यहाँ पे देखिए सिंबल बनी हुई है 100%। ये प्रॉब्लम है, उसमें इसी को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे दिखा कि रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो गई है जिससे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो रेजिस्टेंस को हम पहले चेंज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या डेटा के बाद जो क्लॉक की लाइन है वो एक्टिव हो रही है नहीं हो रही है, क्या वहाँ पे हमको कोई डेटा नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले तो हमको फॉल्ट मिला यहाँ पे, रेजिस्टेंस ख़राब मिला हमको यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करने वाले हैं। तो हम पहले एक रजिस्टर ढूंढ लेते हैं 2.2 किलो ओम का, और किसी बोर्ड से उसको हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो है मिल चुका है, और इस रेजिस्टेंस से ही हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने वाले हैं। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को साइड में रख लेते हैं, और इस पुराने वाले रेजिस्टेंस जो ख़राब हुई है उसको हम पहले बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्स में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं बारीक, मतलब डीप लेवल में आपको सारी ट्रेसिंग बताई जाती है, कैसे आपको ट्रेस करना है किसी भी सर्किट को, सर्किट ट्रेसिंग आपको अच्छे से आ जाएगी, यानी कि आप काम करने लगोगे IC पे। अगर आप चाहते हो IC की काम को परफेक्ट ढंग से किया जाए तो यहाँ पे हमने इसको ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से हवा की प्रेशर से उड़ जाता है, तो इसलिए इसलिए आपको SMD की एयर जो है काफ़ी कम रखनी है, और यहाँ पे इसको पहले मेल्ट कराना होता है हल्का सा। और यहाँ पे आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि ये इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को लगाया, और थोड़ा सा पेस्ट हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं।
हल्का सा पेस्ट मुझे यहाँ पे गिराना पड़ेगा, पेस्ट जो है थोड़ी अलग जगह पे गिर गया, ट्वीजर हीट था इस वजह से वो नहीं लग पाया, अभी लगा हुआ है सही जगह पे। यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को प्लेस कर देते हैं इजीली। यहाँ पे रेजिस्टेंस लग चुका है, हम एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं और इसे हम आयरन से भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे, इसका जो पैड है वो नीचे साइड में सोल्ड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी वो अगर पैड सही से कनेक्ट नहीं होगा बॉडी से यानी बोर्ड से, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा फिर से भी प्रॉब्लम रह जाएगा। और ये नीचे वाला पोर्शन तो कनेक्ट है ही, ऊपर वाला भी कनेक्ट है, ठीक है। अब हम मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ये बोर्ड काफ़ी हीट है तो बोर्ड को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ख़ासतौर से वो एडवांस लेवल का ही कोर्स है, लेकिन उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप एक एडवांस लेवल पे ट्रेसिंग सीख जाओगे। बोर्ड में कंपोनेंट तक की ट्रेसिंग और आईसी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, आईसी की एक एक पिन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आप एक अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इस बोर्ड को ठंडा कर लिया है, और अब हम इस बोर्ड को पहले तो हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रेजिस्टेंस वैल्यू वहाँ पे ड्रॉप थी, अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, हम मल्टीमीटर को टच करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे 2.17 आ गया, किलो ओम में आ गया, जो कि पहले क्या था 2.2 बगल में है। हाँ, और ये भी लगभग 2.2 ही है, तो चलेगा इतना। ठीक है, अभी ये देखिए 2.2 चलेगा इतना। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं ये बोर्ड से उखड़ा तो नहीं। नहीं, अब हम इसको बोर्ड में एक बार प्लेस करते हैं, और बोर्ड में डालने के बाद फिर हम इसकी प्रॉब्लम को दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमने ट्रेस करके निकाल लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है तो अभी ये यहीं से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बूट कैप भी यहाँ पे एरर था। अभी देखिए, यहाँ पे हम इसे चार्जर से कनेक्ट करने वाले हैं, और देखिए यहाँ पे चार्जर लगा दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे बैटरी लो है, ये होगी ये वाली, तो हम चार्जर निकालते हैं फिर से लगाते हैं। ये प्रॉब्लम शुरू में भी दिख रही थी, देखिए वाइब्रेट किया फ़ोन और डिस्प्ले आया, और बैटरी को इन कर देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। एग्जैक्टली इसका परसेंटेज शो हो जाना चाहिए, अगर ये हाँ परसेंटेज शो कर रहा है, 0% दिख रहा है, बैटरी लो है। और अब हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, अब हम फोन को पावर ऑन करेंगे। अभी हमको यहाँ पे 0% दिखा, फुल नहीं दिखा, जो कि पहले 100% दिखा रहा था और ऑटो चार्जिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे हमको पावर प्रेस करके ऑन करना पड़ा फ़ोन को। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर निकालने के बाद वो जो हमारा परसेंटेज 100% था, क्या अभी वो 100% है या नहीं है, और चार्जर निकालने के बाद चार्जर डिस्कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू चेंज हुई थी, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और DSO से भी हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे अब जो क्लॉक बन रही है वो कैसी बन रही है। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
देखिए ये फ़ोन 1% पे आ गया, यानी कि 0% से बढ़ के 1% पे आ गया, यानी फेक चार्जिंग भी इसमें नहीं है जो कि पहले 100% शो कर रहा था। और अभी ये फ़ोन जो है देखिए यहाँ पे 1% शो कर रहा है, और अगर हम इसके चार्जिंग जैक को निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग रिमूव हुई और यहाँ पे बैटरी लो होने की वजह से फ़ोन बंद हो सकती है। और चार्जर मैंने फिर से लगाया, ठीक है बैटरी लो है इसलिए फ़ोन बंद हो गई अचानक से, तो हम यहाँ पे फिर से इसको ऑन कर सकते हैं। देखिए तो हमारा जो ये फ़ोन है ये ओके हो चुका है, आपको डिटेक्शन दिखा रिमूव होते हुए, जो ऑटो चार्जिंग की केस आ रही थी इसमें ऑटो चार्जिंग शो कर रहा था, अभी वो सॉल्व हो गया है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने दिखाया आपको कि 2.2K का रजिस्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बैटरी लो है। चलिए हम DSO पे चलते हैं और DSO पे जो चेकिंग करनी है हमें वो करके एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए एग्जैक्ट वो कैसी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप DSO ही यूज़ करो, आप रजिस्टर मल्टीमीटर से भी ये चेकिंग कर सकते थे, और मैंने यहाँ पे कंफर्म DSO से किया लेकिन आप मल्टीमीटर से भी ये कंफर्म कर सकते हो। थोड़ा सा हम वेट करते हैं और माइक्रोस्कोप जो है हमारा वो थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है अभी हम यहाँ पे DSO पे आ चुके हैं, माइक्रोस्कोप पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम DSO कनेक्ट कर रहे हैं और DSO भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारी डाटा की लाइन है इस पे हम लगाएंगे मल्टीमीटर। देखिए यहाँ पे डाटा बन रही है लेकिन ये थोड़ी सी सही नहीं है, इसको हम ठीक है तो थोड़ा सा मैं माइक्रोस्कोप यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है अब हम माइक्रोस्कोप से यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पे हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं, और जैसा कि हम पहले कर रहे थे जिस रेंज पे चेकिंग उसी रेंज पे हम करने वाले हैं, 1 वोल्ट 10 mA। और यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग की जैक है देखिए यहाँ पे डाटा बनती हुई नज़र आ रही है, इस कंपोनेंट पे जो पहले बन रहा था सेम कंडीशन में वैसे ही। देखिए ये देखिए डाटा बनता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम देखिए एक बार फिर से हम DSO को ही ऑटो कर लेते हैं। हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है कि चार्जर की पॉइंट हम वहीं से ले रहे थे। एक मिनट ज़रा हम चार्जर की जैक को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको आप सिस्टम से कनेक्ट करिए। DSO का ग्राउंड वायर जो है हमने यहाँ पे एंटीना के ग्राउंड वाले वायर में कनेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए क्लॉक वाली लाइन पे भी चेंजेस नज़र आ रही है, और अब हम चार्जर निकालेंगे और लगाएंगे। देखिए यहाँ पे डाटा बनती हुई दिखी है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लॉक अब प्रॉपर बन रही है जो कि पहले डिस्कनेक्ट हो रही थी, अभी ये क्लॉक जो है हमको प्रॉपर दिख रही है। दिख रहा है आपको ये क्लॉक, इसकी टाइम डिवीज़न को हम चेंज करेंगे।
तो हमको ये प्रॉपर और क्लियर नज़र आता है। देखिए यहाँ पे दिख रही है, दो बार कम से कम ये बन रही है, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी बन रही है ये दो बार, और इसके बगल में यहाँ पे हमको इस पर भी सेम कंडीशन में बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्लॉक भी पूरी पूरी बन रही है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हमारा ये लाइन जो है वो ओके हो चुका है और वर्क जो है प्रॉपर हो रही है यहाँ पे। तो दोनों रेजिस्टेंस पे हमको यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। तो ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।